गारंटी में दे रहा हूँ कि आपके बोर्ड होने से पहले हर चौक टॉपिक को इतने पार्ट्स में तोड़ के हम लोग पढ़ लेंगे कि वो टॉपिक फिर वो चैप्टर चैप्टर नहीं रह जाएगा, वो छोटे छोटे टॉपिक्स बन के रह जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है मेरे दोस्त जो लाइव चैप्टर में सबसे हार्ड लगता है, जिसके क्वेश्चंस देखने के बाद एटलीस्ट एक बार सोच में पड़ जाता है बच्चा कि कैसे सॉल्व होगा। तो आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक को बहुत आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और जिन भी कॉन्सेप्ट से आपको डर लगता है उसको अच्छे तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे कि वो डर दोबारा आपके मन में ना आए। और लगभग हम दो चीज़ें करने वाले हैं इस पूरे सेशन में, पहला एक थ्योरी पार्ट, दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट। पहले बहुत अच्छे तरीके से इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स की प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आप उस चीज के लिए थोड़ा सा प्यार जरूर बरसाइएगा, है ना। अपने दोस्तों तक शेयर करो, जो भी आपकी कम्युनिटी है उसमें शेयर करते रहो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपके बोर्ड होने से पहले हर चौक टॉपिक को इतने पार्ट्स में तोड़ के हम लोग पढ़ लेंगे कि वो टॉपिक फिर वो चैप्टर चैप्टर नहीं रह जाएगा, वो छोटे छोटे टॉपिक्स बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप देखोगे इसमें कुछ गिने चुने टर्म्स आते हैं, ठीक है, उनको पहले समझते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें इन सेशन में करने वाले हैं, तो प्रॉपर उसके ऊपर एक एक करके बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये क्या हमें मीन करता है। देखो जब कोई चीज़ हमें समझ में आ जाए कि अच्छा इसकी मीनिंग ये एग्जैक्ट है, ये बात ये बोलना चाह रहा है, तो फिर वो आसान हो जाए। उसके बाद आता है जो बहुत बार टर्म यूज किया जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी भी बात मैं करूंगा कि ये क्या है, कैसे डिफरेंट है या सेम है, दोनों बात करूंगा। उसके बाद जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, कि बहुत बार आपको रिलेटिवली बोल दिया जाता है कि ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो किसी भी चीज का किसी के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। हम उस चीज को लिखने की प्रॉपर कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी पर बेस्ड भाई थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही बेस्ड आता है स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको इस पूरा पर एक वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम बात करते हैं दोस्तों, हम किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की बात कर रहे होते हैं। जैसे मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, पानी हो सकता है, डायमंड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई भी मीडियम। देखो जहां चीजें चल सकती हैं वहां मीडियम हम बोल सकते हैं, जिस चीज में हम रह सकते हैं। जैसे हमारे लिए मीडियम हवा है, पानी है, तो हम लाइट जिन जिन मीडियम्स में चल सकती है, लाइट जिन जिन मीडियम्स में चल सकती है, हम उन्हीं की बात करेंगे। और क्यों हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, जिसमें लाइट के चलने की रफ्तार की बात हो रही है, चलने के तरीके की बात हो रही है, कि वो हर मीडियम में अलग अलग रफ्तार से चलती है, अलग अलग तरीके से चलती है, क्लियर है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं अगर लाइट एक केस में कि एयर में चल रही है, एक केस में कि वो अभी पानी में चलने वाली, पहले एयर में चल रही थी पानी में चल रही थी, तो जैसे ही वो एयर से पानी में जाएगी मेरे भाई उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी स्पीड में चेंज आता है, और वो चेंज कितना आएगा यही कौन डिसाइड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का आपको ये बताने की कोशिश करता है कि जब आप एयर से उस मीडियम में लाइट रे को लेके जाएंगे तो उसकी स्पीड कितने टाइम्स रिड्यूस होगी, यही कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने की कोशिश करता है। जैसे मान लेता हूं अगर मुझे कभी ऐसा कैलकुलेट करने के लिए आता है कि मुझे किसको एक मीडियम दे दिया जाएगा, मुझे बोला जाएगा कि उस मीडियम में आप स्पीड बताइए लाइट की, तो मैं जैसे एक जनरल फार्मूला लिखने की कोशिश करता हूं जिसको हम लोग समझने की कोशिश। मान लेता हूं किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वी और जो हमारी एयर में होती है वो है सी, तो हम अगर उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, एक फार्मूला मैंने लिखा वी बराबर सी बाई म्यू, और म्यू ही क्या है, तो म्यू इज वॉट, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको कहीं कहीं एन से भी दिखाते हैं, दोनों में से आप कुछ भी दिखा सकते हो, ये तो भाई नोटेशन है, ए बी सी डी कुछ भी यूज कर सकते। बट यहां अगर मैं बात कर रहा हूं कि v बराबर c by mu, c क्या है, एयर में स्पीड जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक, ये वैल्यू होती है, ये फिक्स है कि भाई वैक्यूम की बात करें एयर की बात करें लगभग सिमिलर ही होती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हम एयर की बात कर रहे हैं या फिर वैक्यूम की बात करें जिसमें कोई मीडियम नहीं एक तरीके से, अगर तो जहां स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, क्योंकि वैक्यूम से एयर में जब वेरिएशन बहुत कम होता है तो उस चीज के लिए हम उस चीज को बराबर ही स्पीड मानते हैं। तो अगर हम एयर की बात कर रहे होंगे कि एयर में कितनी स्पीड होती है, तो एयर में स्पीड होती है कितनी 3 × 10⁸। तो अब मगर अगर यहां से समझने की कोशिश करूं ये v क्या है, तो v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हम जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, जिस भी मीडियम के लिए आपने देखा होगा वो हवा पानी कुछ भी हो सकता है, उस मीडियम में कितनी स्पीड है वही है v बराबर c बाई म्यू। अब c अगर मैं मान लेता हूं कि म्यू बराबर है 1, मान लो म्यू बराबर 1 होता तो जो हमारी उस मीडियम में स्पीड होती है वो सी के बराबर होती है, और ये वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, मान लेता हूँ कि मेरे जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो कितना था 2,
अगर मैं यहाँ वी देखूंगा तो वी बराबर क्या होगा, सी बाई टू होगा। इसका मतलब अगर मैं समझूं तो जब एयर से लाइट हमारी उस मीडियम में जा रही थी तब उसकी अगर म्यू बराबर वन था, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वन था और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू था, जब वन था तो जो भी स्पीड होगी उसी के बराबर होगी, मतलब वन टाइम्स ऑफ एयर के स्पीड के बराबर होगी, ठीक। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू था तब हमारी स्पीड उस मीडियम में कितनी होगी, सी बाई टू, मतलब एयर की हाफ हो गई। तो क्या आपको एक बात समझ में आई, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है उस मीडियम के लिए उतने टाइम्स एयर से घट जा रही है वैल्यू, उतने टाइम्स एयर से घट जा रही है वैल्यू। देखो म्यू बराबर टू तो सी बाई टू हो गई, म्यू बराबर थ्री तो सी बाई थ्री, उतने टाइम्स घट जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की हमको यही बताने की कोशिश करता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट एयर से कितने टाइम्स कम हो जाए, एयर से कितने टाइम्स कम हो जाएगी। बस यही क्या है मेरे, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यह हर मीडियम के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू हो। और ये आप कैसे चेक कर सकते हो, हम उस मीडियम में एयर स्पीड ऑफ लाइट मेजर कर लें और किसको मेजर कर लें, या फिर अगर यहाँ म्यू की अगर मेजरमेंट की बात करें तो म्यू बराबर ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बराबर दिस हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसी को मैंने यहाँ लिख दिया बस अक्षय कुमार वाला क्रिस क्रॉस मेथड यूज करके, भाई डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर लिखने आएगा तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी मीडियम के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और इन अदर वर्ड्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनेबल्स अस टू नो हाउ फास्ट लाइट ट्रेवल थ्रू द मटेरियल और मीडियम, कितना फास्ट चलेगी या फिर रिलेटिवली एयर के टर्म्स में कितना डाउन हो जाएगी, कितने टाइम्स कम हो जाएगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट वाइल ट्रेवलिंग इन डिफरेंट मीडियम्स, तो अलग अलग मीडियम्स में अगर चल रही है तो कितना गुना कम होगी यही बताती है। और हम रिलेटिव टर्म इसीलिए यूज करते हैं कि कितने गुना कम हो जाएगी, ये रिलेटिव, इसलिए हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पढ़ते हैं। ओहो ठीक है, तो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो एब्सोल्यूट भी कुछ नहीं भाई, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा है वही है। मान लेते हैं किसी मीडियम के लिए अगर एन, मान लेता हूँ एन से मैं दिखा रहा हूँ, किसी मीडियम के लिए अगर एन है तो ये वैल्यू होगी क्या, सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये होगी हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दैट इज कॉल्ड द, अगर रेशियो हम लेते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम to the velocity of light in the medium is known as the absolute refractive index of the medium. यही है basic, refractive index कह लो, absolute refractive index कह लो, कोई बात नहीं, हम measurement ही वैसे करते हैं, ठीक। The absolute refractive index of a medium is simply called as refractive index भी कह सकते हैं इसको, आप ऐसे दिखाइए कुछ भी तरीके से दिखा सकते हैं। Clear है, चलिए बहुत अच्छे, अब आगे आ जाते हैं भाई relative refractive index। देखो relative refractive index की जरूरत कहाँ, जैसे अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें, देखो दो टर्म आता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एब्सोल्यूट। जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो हम यहाँ कंपैरिजन अब मीडियम का मीडियम से कर रहे हैं, जैसे हवा का पानी से नहीं कर रहे हैं, पानी का डायमंड से कर दिया, ग्लास का डायमंड से कर दिया, ग्लास का वाटर से कर दिया। तो जब हमारा स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन किसी भी मीडियम का एयर से हो रहा तब वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम किसी मीडियम से कर रहे होंगे तब वो क्या है अपना, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, ठीक है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा, जब हम जिस भी मीडियम की बात कर रहे होंगे, मान लो रिलेटिव, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, मान लेते हैं यार डायमंड, ठीक डायमंड, मैंने ये मान लिया, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ग्लास की बात कर रहा हूँ, किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, डायमंड के रिस्पेक्ट में। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसको लिखूंगा न्यूमरेटर, और जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मान लो अगर ये वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि ये हम जो निकालने की कोशिश करें, ये वैल्यू आ रही है एक्स, ठीक, तो ये वैल्यू जो होगी एक्स ये किसके बराबर होगी, तो ये होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव, इसके अगर हम वैल्यू की बात करें तो हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स अब किसकी, हम देखो यहां अगर आप देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास,
हम ग्लास की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो हम क्या बोलेंगे, ग्लास की बात कर रहे हैं आप, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, हम डायमंड की रिस्पेक्ट में बात। अब हम यहां देखना चाह रहे हैं कि डायमंड की रिस्पेक्ट में कितनी गुना हो जाएगी। चलो अगर हम देखें तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखो, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका कुछ इस तरीके से जाएगा, एन और ऊपर ग्लास है तो ग्लास को पहले लिखेंगे और डायमंड को बाद में लिखेंगे, एन जी डी, ग्लास का ऊपर डायमंड का नीचे, पहले जो आएगा वो ऊपर आएगा, जो दूसरे में आएगा वो नीचे आएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन जी डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन है नीचे, या तो ग्लास का ऊपर है तो ग्लास राइट साइड में लिखा जाएगा, ग्लास हमेशा पहले लिखा जाएगा राइट साइड में, ठीक, और डायमंड इधर की तरफ लिख दिया जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर मैनिपुलेट करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता है कि यहां से अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें तो Ng की बात करें ये होता है C अपॉन Vg, क्या होगा C अपॉन Vg, और यहाँ अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड की बात करें तो होगा C अपॉन Vd, ठीक, पिछले वाले स्लाइड से एब्सोल्यूट वाले से। तो अगर यहाँ पर रख दूँ वैल्यू, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ मान लो, तो यहाँ बोलूँगा क्या Vg, ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या होगा C अपॉन Vg, और यहाँ क्या होगा C अपॉन Vd, ठीक। अगर आप देखेंगे C से C कट गया, ऊपर क्या आ जाएगा, तो Vd अपॉन Vg, Vg। तो हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी रिलेटिव टर्म में निकाल रहे हैं तो उसके पीछे का एम क्या है, हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना होगी ग्लास की, उस डायमंड में कितने गुना होगी ग्लास की, ये हम देखना चाह रहे हैं, कितने टाइम्स रिड्यूस हो रही होगी या फिर कम हो रही होगी। तो हम जो रिलेटिव टर्म निकालते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट तो हम ये देखते हैं कि एयर से कितने टाइम्स रिड्यूस या बढ़ रही होगी, वो हम देखना चाहते हैं, लेकिन जब हम रिलेटिव निकाल रहे हैं तो रिलेटिव हम उन दोनों मीडियम के बीच में स्पीड की रिलेटिविटी को चेक कर रहे हैं, रिलेशन को चेक कर, जब मीडियम वन से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, मीडियम टू से मीडियम वन में जा रही है, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट कितने गुना घट रही है, कितने गुना बढ़ रही है, हम इसलिए किसका यूज करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, जिसकी बात हो रही हो उसको न्यूमेरेटर में लिखना, और जिसके बारे में बात हो रही है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं लिखने के, अगर मैं लिखूं तो यहां मैं पीछे लिख देता हूं, दैट इज अगर आप कहीं भी ऐसा कुछ लिखना हो तो ये वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हो, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड की बात हो रही हो तो ये चीज हम यहां से भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू क्या है Ng अपॉन Nd के बराबर है, ये दोनों इसके बराबर भी है, यहां मैं यहीं पर छोटा सा लिख दे रहा हूं, ये क्या है, तो ये Ng अपॉन Nd रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड ये किसके बराबर होगा, तो Vd अपॉन Vg के बराबर, वेलोसिटी जस्ट इनवर्स हो जाती, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जस्ट इनवर्स हो जाती, Vg अपॉन Nd, सॉरी Nd Ng अपॉन Nd रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड ये किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसी भी मीडियम का कि भाई वो लाइट को कितना बेंड करेगा, ये अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी कहलाती है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जो मीडियम लाइट को चलने के लिए जो डेंसिटी मिले, लाइट को सेंस जो, एक मास डेंसिटी होती है, एक होती है मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी ये कहता है भाई, डेंसिटी अगर इसको मास डेंसिटी को डी से डिनोट करें तो ये कहता है कितना मास प्रेजेंट है कितने पर यूनिट वॉल्यूम में, ये मास डेंसिटी हो। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि भाई स्पीड ऑफ लाइट को कितना डेंसिटी, अब जैसे मीडियम में जब चेंज होगा, जैसे हमें पता है कि जब दो मीडियम हो, जैसे मान लो ये मीडियम है, हमने यहाँ पर लाइट एक खींचा, तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तरह अगर ट्रीट कर रहे हैं मान लो, तो अगर ऊपर वाले मीडियम को बोल रहे हैं कि दिस इज, लेट सपोज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, तो अगर ये जाना चाहिए था ऐसे, लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसे, तो ये डेंसर टू जब रेयर आ जाएगी तो ये अवे जाती है, ये अवे जाती है, अवे जाती है, क्यों, क्योंकि उसको मीडियम जो लाइट रे को चलने के लिए जो मीडियम में डेंसिटी मिलनी चाहिए तो कम मिल रही है, ठीक, कम मिल रही है। जैसे आप समझो, जैसे भीड़ वाले इलाके में से अगर आपको बाहर की तरफ भेजा जाए, भीड़ वाले इलाके में से जब आपको बाहर की तरफ भेजा जाए तो आप भाई फैलना चाहोगे, दूर की तरफ भागना चाहोगे, क्यों आप सिकुड़ोगे, लेकिन अगर बाहर खूब बढ़िया हाईवे से शहर में आओ तो दबते चले जाओगे, जिधर भीड़ लेके जाएगी उधर जाओगे। तो वैसे ही डेंसिटी से जब रेयर खुले वाले इलाके में, रेयर इलाके में जाओगे तो भाई तुम फैलना चाहोगे, अपने आप को दूर लेके जाओगे। तो सेम केस यहाँ पर होता है, और उल्टा केस भी यहाँ पर समझ सकते हैं, जब हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो, मतलब ये डेंसर है, ये रेयर है, अब मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, ये जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन अब कैसे जाएगा, तो ये वाली क्या है, नॉर्मल रे,
ये नॉर्मल रे की तरफ चला जाएगा, एक्चुअली इधर मुड़ जाएगा, और इस केस में क्या, तो नॉर्मल से अवे भाग रहा है, नॉर्मल था ये नॉर्मल रे, तो नॉर्मल रे जैसे देख रहे हैं दूर भाग रहा है, इस केस में नॉर्मल रे की तरफ आ रहा है, ठीक, ये इधर की तरफ चली जाएगी। तो ये दोनों बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अ मीडियम विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसको डेंसर बोलेंगे। अगर दो मीडियम है, मान लेता हूँ एक का N1 एक का N2, तो ये अगर N2 ज्यादा है, N1 का ज्यादा है N2 से, तो ये हम बोल सकते हैं N2 इज डेंसर देन N1, ये बोल सकते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर हो जाए। इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो इन कंपेरिजन टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को हम ऑप्टिकल डेंसिटी क्यों यूज करते हैं, टू चेक द स्पीड ऑफ लाइट, इसमें जिसमें ज्यादा होगी ऑप्टिकल डेंसिटी उसमें कम होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, स्नेल्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। स्नेल्स लॉ को समझने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें समझना पड़ेगा। जैसे ये है, मान लेता हूँ कि नीचे क्या है, ये है ग्लास, ये क्या है, तो ये है ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या है, एनर्जी, और ऊपर क्या है, तो ऊपर है एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1 के बराबर है। मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्मल, ये नॉर्मल खींच दिया मैंने, अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ऐसा कराया, तो ये है नॉर्मल रे, ये है इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल रे से शुरुआत करते हैं एंगल का मेजर करना, और इंसिडेंट रे तक मेजर करेंगे, तो दिस विल बी एंगल आई, विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अब इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि लाइट रे ट्रेवल करने के बाद किधर जा रही है, लाइट रे मान लेता हूँ कुछ इधर गई कहीं भी, तो अगेन ये नॉर्मल रे है, और इस रे को मेजर किया, तो ये है रिफ्रैक्शन, है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, बारी बारी दो मीडियम को ऑब्जर्व करिए, पहला एयर, एयर का बात लिखिए, तो ये कहता है कि अगर एयर में देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसमें रिफ्रैक्शन, तो एंगल में जो एयर में जो एंगल है साइन का आई, और जो उसमें मीडियम में दैट इज ग्लास में है वो है साइन का आर, अगर इन दोनों एंगल का साइन कंपोनेंट का रेशियो लेते हैं, तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट, ये क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू, ये कौन कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है। लेकिन अगर इसको और इजीली लिखने के समझने, तो मैं बोल रहा हूँ कि एयर, पहले एयर को देखो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो मैं लिखूंगा कि एन इंटू ए इंटू उसमें जो एंगल है उसका साइन कंपोनेंट लिखो, साइन इंटू आई, देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए, उसमें एंगल कौन सा है आई, उसका साइन कंपोनेंट, ये बराबर होगा दूसरे वाले मीडियम का, सेम काम दूसरे वाले मीडियम के लिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उसमें जो भी एंगल है उसका साइन, ये ग्लास था इसमें साइन था, साइन का आर हो जाएगा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी। अब यहां से अगर साइन आई बाई आर लेते हैं, साइन आई बाई साइन आर लेते हैं, ये हमेशा कितना आएगा, एन जी अपॉन एन ए आएगा। और अगर पिछले वाले से रिलेटिव से देखें, एन जी अपॉन एस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी अपॉन वी जी हो जाएगी, जस्ट वेलोसिटी उसका इनवर्स हो जाता है। तो ये आ गया स्नेल्स लॉ, ये आ गया स्नेल्स लॉ, बोलो साइन आई बाई साइन आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा, वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या, क्लियर है। चलिए आगे आप सवाल कुछ करने की कोशिश करते हैं फटाफट से, और यहाँ पर या फिर हम बोल सकते हैं ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार दफा आपसे पूछा जाता है, तो इसकी रे डायग्राम के ऊपर मैंने वैसे भी एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाके चैनल देख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ है ऑफ इंसिडेंस, लेट सपोज ये ग्लास है, ग्लास है ऊपर क्या है, तो ऊपर है एयर, ठीक, तो यहाँ से लाइट रे एंट्री ली है, तो हमें देखिए इधर जाए, सब के इधर जाए, ये है आर, यह है एंगल का आई, ठीक, और फिर से यहाँ फॉल हुई, फिर से यहाँ देखें तो ये हो जाएगा सेम एंगल आर, अब यहाँ फिर से देखेंगे तो ये ग्लास होगा ऊपर, और नीचे क्या होगा, तो नीचे फिर से होगा एयर, भाई जितना ये बेंड हुई थी उतना ही क्या इधर जानी चाहिए थी, तो ये उतना ही बाहर की तरफ चली जाएंगी, ठीक, अगर इसको हम लेके आए तो ऐसा होगा, ठीक, मैं थोड़ा सा इसको पैरेलली बनाने की कोशिश, ठीक, तो ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो अब इसको थोड़ा हम समझते हैं, मैंने बोला कि मैंने यहाँ से टॉर्च जलाया, क्या कर दिया, टॉर्च को जलाया, अब टॉर्च जलाया तो टॉर्च लाइट जाके कहाँ फॉल हुई, इसके ऊपर ग्लास स्लैब के ऊपर, इस पॉइंट पर, अब ये लाइट एक्चुअली जानी चाहिए थी ऐसी, लेकिन ये अपनी पाथ से बेंड हो गई कुछ इधर, और वो जो एक्चुअल गई है वो ये गई है ब्लू वाली, ठीक, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, फिर से अब जब ग्लास के अंदर, यहाँ से यहाँ तक ग्लास के अंदर चली है पूरी लेयर,
अब यहाँ फिर से देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ मीडियम का चेंज हो रहा है और रिफ्रैक्शन वही वही होता है। रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होगा? रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ होगा? रिफ्रैक्शन भाई जहाँ मीडियम का चेंज होगा, जहाँ मीडियम चेंज होगा होगा या मीडियम के मीडियम्स की बाउंड्री पर, या फिर कहाँ होगा? मीडियम्स की बाउंड्री पर, जहाँ मीडियम्स की बाउंड्री वहाँ हमारी रिफ्रैक्शन। एक मीडियम की बाउंड्री थी, एक मीडियम की बाउंड्री थी, यहाँ से लाइट रे चला, बेंड होके अंदर आ गया, यहाँ आ गया। अब जब ग्लास से जिस भी एंगल पर ये निकल रही है, ये ग्लास से जिस भी एंगल पर निकल रही है, इसे ही बोलते हैं एंगल ई। और ये एंगल ई क्या है? यहाँ नॉर्मल से लेके जो रे निकल रही है, नॉर्मल रे से लेके जो रे निकल रही है ये, और ई क्या है? तो एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है, एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है। तो आपने ध्यान रखना है ये, इन पूरे एंगल्स के नोटेशन को ध्यान रखना। आई क्या है? इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये वाला, ठीक, ये वाला नहीं है, ये वाला आप कहोगे तो ये नहीं है, ठीक, यहाँ से ये, और इधर ये वाला नहीं है, ये है नॉर्मल से बीच का एंगल, ठीक। और आर तो एज इट इज आपको आर अंदर दिखेगा, ये नोटेशन के ऊपर आता है। और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है डी, कि भाई एक्चुअली ये जा रही थी लाइट, अब क्यों कौन सी जा रही होगी यहाँ? तो अगर बाकी दो लोग को दिखाओगे एक बार कि ये वाली जानी चाहिए थी लेकिन अब जा रही है, अपनी पाथ से कितना डिस्प्लेस हुई है, इसी डी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेस, इसी डी को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस हमें समझना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कुछ सवाल को करते हैं भाई, सवाल को थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड अप होके करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन जो है अपने पास वो क्या है? 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखते चलिए पहले गिवन डेटा, एंड इन वाटर इज इक्वल टू कितना है? 1.96 × 10⁸ मीटर। By referring to the given, calculate or find the refractive index of the kerosene with respect to water. अब हमें क्या निकालना है? तो refractive index of kerosene with respect to water, ये निकालना है। और हमें पता है refractive index of kerosene with respect to water, तो हमें मतलब velocity of water upon velocity of kerosene, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों inverse होता है। और ये बात हमने कुछ देर पहले ये भी सीख के आ रहे हैं, सीख के आ रहे हो कि जैसा refractive index का ratio, उसका just opposite velocity is count medium में ratio। तो क्या होगा? nk upon nw ही हमें निकालना था। और ये वैल्यू क्या होगी? तो vw 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन ये क्या होगा? तो 2.08 × 10⁸। अब ये काट लो, अब इसको काटना होगा, तो ये अपना काटते चलो 196 ठीक। अगर इसको आप काटो तो चार से मान लो काट लेते हैं, चार चौका 16, चार काटो, चार चौका 16, चार आठ छः, चार पंचे 20 और चार दुना 52 9/50। ये कटेगा क्या? कटेगा एक, तो ये हो जाएगी वैल्यू, बस ये समझ लो ये हो जाएगी दोनों की वैल्यू, ठीक। आपने फर्दर अब मैथमेटिक्स बची वो आपने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। मान लो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये चीज, अगर कोई भी एक ग्लास स्लैब है, क्या है? ग्लास स्लैब, यहाँ अगर कोई भी चीज फॉल करती है, वो भी कैसी? नॉर्मली रे लाइट, मैंने टॉर्च जलाया यहाँ पर और ये नॉर्मली यहाँ पर आई है, मतलब जो ये एंगल बना रही है कितने का बना रही है? 90 डिग्री का, ठीक। तो ये कैसी जाएगी? तो अगर मैं देखूँ तो ये नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल ही है, नॉर्मली गिरी है, तो ये नॉर्मल रे भी होगी और यही क्या होगी? इंसिडेंट रे भी होगी, दोनों यही है, इंसिडेंट रे भी होगी और नॉर्मल रे भी होगी। जब नॉर्मल और इंसिडेंट एक ही रे बन जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि मैं दो रे दो लाइंस के बीच का एंगल देख रहा हूँ, दोनों सेम लाइंस है, एंगल कितना होगा दोनों के बीच? पैरेलल होंगी, 0 डिग्री होगा। और जब आई बराबर जीरो है तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम क्या समझ सकते हैं? फ्रॉम स्नेल्स लॉ जान सकते हैं कि जब साइन आई अपॉन साइन आर को अगर हम देखें तो ये किसके बराबर था? साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर था? कोई भी एक कॉन्स्टेंट के बराबर था, कोई भी कॉन्स्टेंट के। तो साइन आई बराबर क्या होगा? के इंटू साइन आर होगा, साइन आर होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या है? 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, मतलब यहाँ अगर 0 हो गया, इधर हो गया के इंटू साइन आर, के इंटू साइन आर। अब देखो के तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है,
ए तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जिसकी वैल्यू है साइन आर, और वो मल्टीप्लाई होने के बाद वो जीरो हो जा रहा है। इट मीन्स किसी भी चीज में अगर कोई मल्टीप्लाई करो वो जीरो हो जाए, मतलब जो मल्टीप्लाई कर रहा है वही जीरो था। मतलब यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं क्या, साइन आर बराबर क्या है जीरो, और ये तभी पॉसिबल है जब आर बराबर क्या हो जीरो। तो फिर से भाई जब आई यहाँ पर जीरो आ गया तो आर भी क्या आएगा जीरो डिग्री आएगा, मतलब जैसी आई थी वैसी ही चली जाएगी, नॉर्मल ही बन के निकल जाएगी। और यहाँ से भी सेम, जैसी आई थी वैसी ही चली। तो जब भी किसी भी मीडियम के सरफेस पे, जो भी बाउंड्री सरफेस, अगर नॉर्मली कोई लाइट रे फॉल करती है उसका डेविएशन, तो यहाँ हम बोल सकते हैं हैशटैग नो डेविएशन, कोई भी डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम, नो डेविएशन इफ आई इज इक्वल टू जीरो, कोई भी डेविएशन नहीं होगा इफ आई इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे, यहाँ पर हमने बना दिया ड्रॉ द रे डायग्राम एंड ऑल्सो, और यहाँ पर हमने सब कुछ कर दिया, आई बराबर जीरो, आर बराबर जीरो, सब कुछ हमने कर दिया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देखो ध्यान से हमें क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये कितना वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन बाई टू। ठीक, मान लेते हैं ऐसा कुछ। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये वैल्यू कितनी गिवन है, तो ये वैल्यू गिवन है हमें 4/3 बराबर। ठीक, ये पहली बात गिवन थी आपने, ये दूसरी बात गिवन थी आप। ठीक, अब बोला गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, तो ये है इंटू 10^8 पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछा, तो देखो अगर हमें चाहिए क्या, हमें पता है भाई अगर ये वाली वैल्यू चाहिए, वी डब्ल्यू चाहिए अपॉन वी जी चाहिए, इधर हमें लेके आना पड़ेगा एन जी अपॉन एन डब्ल्यू लेके आना पड़ेगा ये, ताकि हमें वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एन जी अपॉन एन डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, वी जी हो जाएगा। ये काम हम तभी कर सकते हैं जो हमारे पास एन जी अपॉन एन डब्ल्यू हो, तो एन जी अपॉन एन डब्ल्यू हम इससे निकाल लेते हैं। यहाँ से हम क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू, अगर हम ये करते हैं तो एन जी अपॉन एन ए अपॉन एन डब्ल्यू अपॉन एन एन ए, एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 3/2 अपॉन 4, ये वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, और ये वैल्यू है किसकी, तो ये वैल्यू है एन जी अपॉन एन डब्ल्यू की वैल्यू है। देखो ध्यान, कोई भी समस्या बताओ, कोई भी समस्या नहीं होगी, बस इसी चीज को हमने वहां रख लेना है। तो वी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी थी कितनी, तो ये थी 2 × 8 यहाँ से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 9/4, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा 4×8, और यहाँ 4×8 4×5=20, तो 2.25 × 8 मीटर ये अपनी वेलोसिटी। ठीक, बोलो, हमने देखो यहाँ पर रखा, हम दोनों का रेशियो ही निकालें, क्योंकि हम पूरे चैप्टर में एक बात देखते आ रहे हैं, हमने जो डेटा पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि रेशियो वाला ही टर्म्स पढ़ा। जब भी रिलेटिव का टर्म है आप रेशियो के फॉर्मेट में, किसी भी दो के रेशियो के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। मैंने क्यों यहाँ वी डब्ल्यू को ऊपर रखा, क्योंकि मुझे चाहिए था वी डब्ल्यू। कोई भी चीज़ जब चाहिए होती है तो हम उसे न्यूमरेटर में रखते, ना कि डिनोमिनेटर, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स थी। ठीक, बाकी अपने पास ये दो डेटा था, दोनों को यूज करके हमने निकाल लिया। अब आगे चलते हैं, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और लाइट इज गोइंग फ्रॉम द एयर टू ग्लास, एक एयर टू ग्लास इज 3/2, देखो जब एयर से ग्लास में जा रही हो तो म्यू बराबर ए इंटू जी बराबर क्या हो, एयर से जब ग्लास में जा रही हो तो ये है वैल्यू। ठीक, एयर से जब ग्लास में जा, तो हमें बोला गया फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ये पूछा। तो अगर हम इसको देखें, अभी हमने कुछ देर पहले लिखना सिखाया था मैंने, ए म्यू जी अगर है, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में। लिखने का तरीका है कि जब एयर से ग्लास में जाए और ग्लास से एयर में जाए, इन दैट केस यहाँ पर वैल्यू देखो, ये वैल्यू होगी म्यू जी अपॉन ए टू ए। ठीक, लेकिन हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली वैल्यू म्यू ए अपॉन म्यू जी। ठीक, हमें वो वैल्यू चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें, इस चीज को थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूँ, तो जी म्यू ए बराबर
यहाँ क्या वन अपॉन म्यू जी कौन का म्यू ए लिख सकता हूँ, वैल्यू लिख सकता हूँ बोलो, क्योंकि नीचे वाली फिर ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली फिर ऊपर चली जाएगी, तो अगर ये लिख सकता हूँ तो यही वैल्यू किसके बराबर है, ए म्यू जी के बराबर, ए म्यू जी के। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि म्यू जी ए जो होता है ये वन अपॉन म्यू ए म्यू जी के बराबर होता है, ये इसके बराबर, बोलो। सेम बात हो गई कि जब एयर से ग्लास में जा रही, मतलब ग्लास अपॉन एयर है, यहाँ जब ये है तो हमने उसका रेसिप्रोकल कर लिया, मतलब जो ये ओरिजिनल है वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल कर लो, जब एयर टू ग्लास जाए, एयर टू ग्लास जाए और ग्लास टू एयर आए, बस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, ये 3/2 थी तो वो 2/3 हो जाएगी, बोलो। इतनी सी बात, ठीक। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ सॉल्यूट रिएक्टिव इंडेक्स। हमें टर्म बेसिकली एक्सप्लेन करना है तो हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एस एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यही है उस मीडियम का, इज कॉल्ड इट इज द रेशियो ऑफ दिस, और इसको फिर कैसे लिखेंगे तो म्यू बराबर क्या होगा, सी अपॉन का, बस इसको ऐसे लिख देंगे, दोनों डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला भी लिखने को, राइट एन एक्सप्रेशन एट दिस, दोनों को लिख दिया हमने, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, म्यू जी बराबर कितना है, तो म्यू जी बराबर है 2.42, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगी, ये इसके बराबर होगी, ये हमें इतना बात पता है, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, चलिए मतलब इसकी मीनिंग क्या है, देखो हम ये बात बोल सकते हैं, या तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम से कम हो जाती है उस मीडियम में, मतलब डायमंड में 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो जाएगी, मतलब अगर डायमंड में मैं यहाँ स्पीड ऑफ लाइट लिखूं तो सी अपॉन क्या होगा, 2.42 हो जाएगा, मतलब जो भी अगर देखो इसी चीज को मैं लिखूं तो डायमंड के मीडियम में जो भी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू वैक्यूम, ठीक। या फिर हम बोल सकते हैं 2.42 इट इज द रेशियो, मतलब अगर हम रेशियो लें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो वो जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2.42। तो ये दो बातें हम लिख सकते हैं उस गिवन डेटा से जो हमारे पास यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव मीडियम इज दिस। नेम द लिक्विड, अपना अगला सवाल जो कि थोड़ा सा हमें समझना भी चाहिए, मास डेंसिटी मैंने आपको बताया था, मास डेंसिटी मतलब जब दो चीज़ों की डेंसिटी हम कंपेयर कर रहे हो मास डेंसिटी को, तो मास डेंसिटी हमने क्लास 9th में पढ़ा था, डेंसिटी बराबर मास अपॉन का वॉल्यूम, और ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लाइट को चलने के लिए हो, बेसिकली हम यहाँ कर देखें मीडियम के पार्टिकल्स को चलने के लिए मास की डेंसिटी की जरूरत है, और लाइट को जब चलना किसी मीडियम में तो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो मास डेंसिटी किस लिक्विड की ज़्यादा होती है, आई थिंक यही बोला, कम बोला गया, तो मास डेंसिटी इज लेस, मतलब अगर दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करें, मान लो जैसे हम पानी के ऊपर ऑयल को डालें, ऑयल फ्लोट करता है पानी के ऊपर, तो जो फ्लोट करेगा उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो ऑप्शन अगर आंसर की हम सिंपल सी बात करूँ तो आंसर होता है किरोसिन, ठीक। जबकि क्योंकि पानी की डेंसिटी लगभग 1 के आसपास होती है, किरोसिन की होती है 0.8 के आसपास, ठीक। जबकि यहाँ अगर हम डेंसिटी, यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, तो ऑप्टिकल डेंसिटी पानी का हमें पता है कितना होता है, पानी का होता है 1.33, ये 1.44 होता है केरोसिन का, और वाटर का जो होता है, वाटर का 1.33/3, तो 1. ठीक, तो ज़्यादा किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का, मतलब ऑप्टिकली डेंसर ही है, जबकि डेंसिटी के केस में, मास डेंसिटी केस में इसका उल्टा होता है, तो आंसर विल बी द केरोसिन, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, किसी भी एक मीडियम की बात कर रहे हैं, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब एन एक्स अपॉन एन वाई, जिसकी बात की जा रही है, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, रिस्पेक्ट में नीचे इज 2/3, ये पहला डेटा अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर बोला गया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, एन वाई अपॉन एन जेड, ये गिवन है सर, साथ है। चलिए अब बोला क्या गया, ये दूसरा इक्वेशन, और तीसरा
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एन जेड निकालना है एन एक्स के टर्म्स में निकालना है, ये क्या होगी। अब देखो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों अलग अलग बातें, तो मैं थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाऊंगा ऐसे क्वेश्चन में, आपने कॉमन सेंस हमें चाहिए। एन जेड, एन जेड कहाँ चाहिए, ऊपर। अपने पास दो इक्वेशन है, यहाँ एक्स दिख रही है, यहाँ जेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं दिख रहा है, यहाँ वाई दिख रहा है। यहाँ मतलब हम ऐसा कुछ करें कि दोनों ये वाई एक दूसरे को कैंसिल कर लें, क्या ऐड करोगे, नहीं डिवाइड करोगे तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई करोगे, बट हमें एक्स चाहिए डिनोमिनेटर में और जेड चाहिए न्यूमरेटर में। तो मैं या तो दो तरीका कर सकता हूँ, या तो यहीं पर रेसिप्रोकल ले लूँ, तो मैं लिख दूंगा कि एन जेड अपॉन एन वाई जो होगा वो क्या होगा, 3/4 होगा, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ पर देखूँ तो एन एक्स अपॉन एन वाई, एन एक्स अपॉन एन वाई, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 3/2 हो जाएगा पहला, ये तीसरा इक्वेशन हो गया आफ्टर रेसिप्रोकलिंग, हमने रेसिप्रोकल कर। अब हमें चाहिए एन जेड ऊपर एन एक्स नीचे, तो बस लिख दीजिए यहाँ पर डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4/3। अगर डिवाइड करूँ तो एन जेड अपॉन एन वाई अपॉन एन एक्स अपॉन एन वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 अपॉन 3/2। तो यहाँ अगर काटूँ तो एन वाई, एन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से यहाँ 2 आ जाएगा और 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आ गया एन जेड अपॉन एन एक्स बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया, बस ये कॉमन सेंस से ठीक है। ठीक है बोलो, या तो हम दोनों को डिवाइड कर लें तो आई थिंक हो जाना चाहिए, नहीं होगा ठीक, ऐसा हो सकता है, या तो डायरेक्ट आप दोनों को डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दो, दोनों को क्या कर दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड करके और इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड करके उसका रेसिप्रोकल ले लो, तब भी हो जाएगा, पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, तब भी हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं, हमें बस इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, और ये फॉर्मेट हमें समझना है कि जेड ऊपर है तो जेड कहाँ है, इसमें है, इसमें जेड नहीं है, तो जेड को ऊपर लाना है, तो हमने ऊपर करने के लिए रेसिप्रोकल कर सकते ठीक। चलिए अब यहाँ तक हो गई पूरी की पूरी कहानी दोस्त, आई थिंक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अब कोई सवाल नहीं, किसी भी चीज़ का लिखना हो रिलेटिवली तो उस जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रही हो उसको डिनोमिनेटर में, जिसकी बात हो रही है उसको ऊपर, भाई जिसको बात होते हैं हमेशा उसको ऊपर रखते हैं सर पर चढ़ा कर जो चर्चे में हो, तो जिसकी बात हो रही है उसको ऊपर रखिए, जिसके रिस्पेक्ट में भाई जिसको नीचा दिखा रहे हो उसको नीचे दिखा रहे हो, तुम बोल रहे हो ना तुम बहुत अच्छे हो उसके रिस्पेक्ट में, तो जिसको नीचा दिखा रहे हो उसको नीचे रखो, जिसकी बात करो उसको चढ़ा के रखो, मतलब न्यूमरेटर में ऊपर रखो उसको नीचे रखो ठीक। आई होप यहाँ तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई भी डाउट अभी स्टिल आपके मन में कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मेरे वीडियो में फिर से एक दो प्रैक्टिस सेशन इसके ऊपर लेता आऊँगा, मेरा काम है आपकी पूरी क्लियरिटी ठीक है। और जो भी टॉपिक पर वीडियो आपके हिसाब से चाहिए, जो आपको लग रहा हो कि ये टॉपिक हार्ड है उसको बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियो विद थ्योरी एंड प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय हिंद।